देखो हमने पांच क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और अब हम पढ़ते हैं नवा पॉइंट यानी नवी डेरिवेशन। वो डेरिवेशन क्या है ध्यान से सुनना आप। ये क्या है, एक बिल्डिंग मान सकते हैं आप। क्या मान सकते हैं इसको, आप इसको बिल्डिंग मान सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम नवा पॉइंट। यहां देखो आप नवा पॉइंट ये क्या है, ये देखो ये एक मैंने क्या है, एक बिल्डिंग इमारत कुछ भी मान ली, ठीक है। इसके आधार से ये थोड़ा सा दूर ले लिया हमने और यहां से एक हमने ये मीनार मान लिया वाली, क्या है मीनार। आप इससे देखना ये जो बिल्डिंग है ना ये वाली है ना, ये क्या है, यहां से इसकी दूरी कितनी है, ये दूरी क्या है बिल्डिंग की, इससे मीनार की दूरी क्या है x मान ली, ठीक है। और आगे देखना हम क्या है इसके अंदर, ये हमने a और b पॉइंट मान लिया और ये एक बिल्डिंग है, ये एक क्या है मीनार मान लो। इस मीनार के टॉप से और इस बिल्डिंग के टॉप का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। और यहां से यहां तक देखना आप, यहां से कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना है ये देखो, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आपको। अब आगे देखना आप, आगे ये सीडी पॉइंट मान लिया, ये क्या है डी पॉइंट मान लिया यानी सीडी, और इसकी ऊंचाई आपने क्या मान ली यहां से यहां तक की, एच मान लो आप। कितनी मान लो, एच। अब देखना दो ट्रेंगल बन रहे हैं इसमें, एक तो ट्रेंगल क्या बन रहा है इसके अंदर, एक तो ट्रेंगल बन रहा है ये बी ए और एन ट्रेंगल बी ए सी। तो देखना ये पूरी कितनी है, आप ध्यान से सुनना इस बात को, ये पूरी कितनी है बताओ, 60 के सामने क्या होगा और 30 डिग्री के सामने क्या होगा, एक होगा। कितना होगा, एक। तो 60 डिग्री के सामने क्या है, रूट तीन होता है और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, एक होता है। आप ये देखो पूरा कितना है, ए बी ए रूट तीन और ए सी कितना आ गया, एक। अब ये देखो पहले आप दो मिनट के लिए, पहले ये वाला ट्रायंगल लो एक बार बी ई डी में, ट्रायंगल बी ई डी में देखना, ये 30 डिग्री के सामने क्या है, एच। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, एच अंडर रूट तीन। पता लग गया नहीं वाला कितना हो जाएगा, पता लग गया ना, एच रूट तीन। तो ये भी क्या हो जाएगा, एच रूट तीन हो जाएगा ना। 60 डिग्री के सामने क्या है बताओ, 60 डिग्री के सामने क्या है, रूट तीन है ना। 60 डिग्री के सामने क्या है, रूट तीन है। 60 डिग्री के सामने रूट तीन और 30 डिग्री के सामने क्या है, एक आ जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, तो इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट तीन को इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, एच रूट तीन यानी कितना जाएगा, ये तीन एच आ जाएगा। बात आई कि नहीं आई समझ में, तो ये पूरी क्या आ गई बताओ, देखो पूरी क्या आ गई है, ये आ गई पूरी तीन एच। कितनी आ गई, तीन एच। और ये कितनी है बताओ, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, टू एच। समझ में आ गया, तो देखना ध्यान से आप, बी ई रेशियो और क्या है ए ई, तो बी ई का रेशियो क्या है एच और इसका ए ई का रेशियो क्या है, टू एच। एच से एच कट जाएगा, क्या जाएगा, एक अनुपात दो आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब समझ में आया आपको, ये जो रेशियो और ये रेशियो है इसका रेशियो क्या आता है, एक अनुपात दो आता है, एक अनुपात क्या आता है, दो। अगर आपको पता है ये पूरी कितनी है बताओ, पूरी कितनी है, पूरी मान लो ये क्या है, 75 है मान लो,
ये पूरी कितनी यहां से यहां तक 75, तो ये कितनी होगी यहां से यहां तक 25 होगी ना, तो ये कितनी होगी यहां से यहां तक 50। ये जो मेथड है ना, ये जो कहने का मतलब डेरिवेशन मैंने आपको बताइए, ये कई जगह काम करेगी आपकी, ठीक है। अगर आपको यहां से यहां तक की हाइट पता है ना, तो आप इन दोनों की हाइट निकाल सकते हैं और इसकी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पता लग गया रेशियो क्या है। ये रेशियो तब आता है जब हमारे पास एक क्या है बिल्डिंग है, और यहां से यहां तक क्या है एक मीनार है, और मीनार के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का और मीनार के बॉटम पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पॉइंट तक का एंगल दिया हुआ हो, और 30 डिग्री और 60 डिग्री से हम उन्नयन कोण अगर बना रहा हो, तो ये यहां पर ये पॉइंट काम करता है, ठीक है। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं।